हाय, वेलकम टू आवर स्टोरेज सीरीज। अभी तो फैमिली होम सीरीज में कितना एपिसोड है मुझे नहीं पता। हम ये रूम शुरू करें व्हिच इज अ वॉक इन वार्डरोब, क्योंकि मुझे मेरा कोई सामान नहीं मिल रहा है, मेकिंग मी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ये पूरा दीवार प्लैंक छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे वार्डरोब भी आने वाला है। सारे कबाड़ हॉल में हम ड्रैग कर करके लेके आएंगे। फॉर द सेकेंड कबाड़ हमने ड्रॉवर्स निकाल दिए अंदर से, सो दैट इट मेक्स इट लाइटर, इसलिए आईटीआई का फर्श पसंद है, इजी मूवेबल। ये फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या अरेंजमेंट रखेंगे दोनों ये साइड के खुल सके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड। तो एक्चुअली मुझे इधर जो गैप है ना, ये गैप नहीं चाहिए था, बट इतना तो गैप आएगा यार। तीन बार पूरा इधर उधर कर चुके हैं एंड सब हिला के देखना पड़ता है। सबसे रिलेटेबल आपको क्या अरेंजमेंट लग रहा है? That's what happens when you design the places, sir. The major concern is this pillar, यार। इसके वजह से ना सारे ये ड्रॉवर्स एक लाइन में नहीं आ रहे। प्रस्तुत है प्लांट, हम एक्चुअली नीचे गए थे प्लांट लेके आने, यार्ड का तो क्या जान चल जाए पता है, लाइक मेरे प्लांट्स में से अलग मत करो। इधर बाल्टी इसलिए रखा है ताकि प्लांट्स को हाइट मिले। And this is a DIY plant. एक बाल्टी, न्यूज़पेपर और लूज पत्तों में से। तो ये अरेंजमेंट हमने की है, एक खाली बाल्टी के ऊपर दूसरी बाल्टी, उसके अंदर न्यूज़पेपर और उसके ऊपर ये बांबू का। पहले वो ये फैंसी वाले वेज में था, लेकिन अगर ये पीछे छुपने ही वाला है तो इतना अच्छा वेज उधर क्यों डालने का हम। फाइनली हमें कुछ मिल गया है। क्या फिनिशिंग लग रहा है ये डोचके का, बहुत मस्त लग रहा है, सब एकदम अलाइनमेंट में है। नॉट डन येट, मेरे को एक और चीज सुझा, क्योंकि मम्मी ने जाते जाते पूछा कि क्लोथिंग रैक कहाँ रखने का प्लान है रफली, तो मुझे एक आइडिया है। अब ये रूम फाइनली हो गया, दिस क्लोथिंग रैक फिट्स हियर एकदम परफेक्टली, ये वाला ड्रॉअर इधर परफेक्टली फिट आ गया। जेन्युइनली मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि हो गया अपना पूरा। अभी कल आके सिर्फ इसमें सामान भरना है, which is not a simple task, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट ये पूरा सेटअप हो गया। यहाँ पे हम करने वाले थे ओम्ब्रे ब्रिक वॉल, जो मैंने स्टोरी टाइम में बताया था, लेकिन आई एम डिसाइडिंग टू नॉट डू इट। ऑलरेडी काफी फर्नीचर भरा हुआ है ना, आई वॉन्ट दिस रूम टू लुक एकदम बड़ा बड़ा, मे बी फ्यूचर में किसी दिन कोई और वॉल पे करेंगे। आज हम अंदर का सब सेटिंग कर रहे हैं, विच इज क्लोथ्स को अच्छे से फोल्ड करके ड्रॉर्स के अंदर रखना। हमसे मेरा मतलब है मॉम, क्योंकि मैं पीसी वाला काम कर रही हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ फुटेज टू बी बैक अप, लास्ट ऑफ द मंथ है तो सबको पेमेंट्स करना है, बहुत बहुत सारा काम है। आई टोल्ड हर टू व्लॉग, पर वो शर्मा रही है या पता नहीं आलस खा रही है। शी शो यू हाउ शी इज कीपिंग इट, लेकिन बीच बीच में आई विल कीप कमिंग एंड चेकिंग इन एंड सीइंग शी इज डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली और नॉट। सब ब्लाउजेस सारे हो गए, जो भी मैं कम पहनूंगी ना उसको मैं नीचे रख रही हूँ। इंडियन वेयर यूजुअली आई वेयर शादी हो पे या तो फॉर इंस्टाग्राम, ये टाइम मुझे ट्राई करना है कुछ अलग लुक्स। वी विल मूव ऑन टू दैट ड्रॉअर, सारे रहेगा हम लोग इसमें डालेंगे। तो ये जो हमने लहंगे रखे हैं उसके ऊपर के ड्रॉर में भी हम लोग लहंगे ही रखेंगे, क्योंकि लहंगे थोड़े ज्यादा है। यहाँ पे हम लोग रखेंगे सारी ओढ़निया, जो भी आप दुपट्टास बोलते हो वो। I have come to do inspection. इतना खाली जगह क्यों छोड़ा है? दुपट्टा जितनी थी यार। इतने heavy heart से दिया है। ये अच्छे से किया है। Good job. यहाँ पे अभी हम लोग रखेंगे traditional kurtas with pajamas और traditional dresses. अभी कोई
और ही दिन है. आई थिंक लास्ट हमने कल ही किया था, बट आई नॉट वेरी श्योर. टुडे वी सेटिंग अप द क्लोथिंग रैक. वी से मेरा मतलब वापस मम्मी है, बिकॉज आई एम सेटिंग हर टू गेट रेडी फॉर शूटिंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस. आज मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ. आई वॉन्टेड वुडन हैंगर्स ओनली फॉर एवरीथिंग, बट वो करंटली मेरे बजट में फिट नहीं हो रहे. तो वी वॉन्ट टू पुट द बिहाइंड वाले जैकेट्स ऑन प्लास्टिक का हैंगर. वुडन हैंगर्स सिर्फ आगे वाले रो में रखेंगे. ये सारे जैकेट्स हैं जो हमें रैक पे लगाने हैं. So, अभी हम रैक के अंदर सारे जैकेट्स लगाएंगे. We have three rows. तो एक में सारे डेनिम वाले, एक में सारे स्पोर्ट्स वाले और कुछ शर्ट जैकेट्स है साथ में लगाते हैं. अभी सारे शर्ट वाले मैं पीछे के रोड पे डाल रही हूँ. डेनिम जैकेट्स हम लोग सेंटर में डालेंगे और आगे डालेंगे हम लोग सारे स्पोर्ट्स. अभी मैं मम्मी का काम चेक करूंगी कि कौन से ड्रॉवर में क्या है. एंड मेनली द पर्पस ऑफ दिस इंस्पेक्शन इज कि अगर कोई ड्रॉवर में और जगह बनाई जा सकती है, या अगर कोई ऐसी चीज है जिससे मैंने स्किन केयर और मेकअप कुछ कुछ डायरेक्ट ड्रॉवर्स में रखा है, बट आई एक्चुअली वांट टू पुट देम इन द ऊपर वाले छोटे ड्रॉवर्स. वो शिफ्टिंग अभी करके देख लेंगे कि फाइनली कितनी और जगह यहाँ पे अवेलेबल है. आपको आई एम शोइंग अ फास्ट फॉरवर्ड ओनली एंड नॉट एग्जैक्टली हर एक ड्रॉवर में क्या है, बिकॉज देन टूर के लिए क्या बचेगा. ओके, सो वॉट आई फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट इज जब भी वो एक दो ड्रॉवर्स अपन ऐसे बना लेते हैं जिसमें वो सामान डालते हैं दैट वी डोंट नो वेयर इट इज सपोज टू गो. क्लीनिंग दोज ड्रॉवर्स इज सो डिफिकल्ट बिकॉज उसमें 50 से 100 चीजें निकलती है एंड देन यू हैव टू टेक ऑल द डिसीजन एक साथ कि इसको कहाँ डालना है, इसको कहाँ डालना है, इसका क्या करना है. तो वैसे अभी एक ड्रॉवर किया है, लेकिन वैसे और 3-4 ड्रॉवर्स आने वाले हैं. तो लाइक माई डिसीजन मेकिंग स्किल्स आर वेरी वेरी लो राइट नाउ. थक गई हूँ बहुत, बट आई वॉन्ट टू गेट डन विद दिस एक साथ. तो अभी हम करेंगे ज्वेलरी ऑर्गेनाइज. जैसे कि आप देख रहे हो ये बहुत सारे बॉक्सेस है, इसके अंदर से ज्वेलरी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है हमें मैनेज करने के लिए. तो हम लोग सारी अरेंज करेंगे ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स में. ये हमने अमेजोन से लिए हैं. अभी आप देखेंगे कि कुछ ज्वेलरी बड़ी है और ये कंपार्टमेंट्स छोटे छोटे हैं. ये बॉक्स में बहुत अच्छी बात है कि बीच में ये जो डिवाइडर्स है ये निकल सकते हैं और फिर आराम से ये उसमें फिट आ जाएगा. सारा कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए, बस फटाफट अंदर सामान लाते हैं. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सेट दिस रूम अप क्योंकि यहाँ पे आके मेरे को काम करना है, अच्छे से स्टडी करना है. लेट्स ब्रिंग द टेबल, द चेयर, एवरीथिंग इनसाइड. Done with the moving. सिर्फ अभी पीसी लाना बाकी है, फिर अंदर अंदर ही सब अरेंजमेंट करना है. वो ले जा रही हूँ अभी. Putting light in this room क्योंकि there aren't any tube lights, तो हम सिर्फ बल्ब लगा रहे सॉकेट में. फुल उजास हो गया एक बल्ब से. हाय, आज हम ये ऑर्गेनाइज करने का उपाड़ा लिए बिकॉज आई कैन नॉट फाइंड ऑल द थिंग्स. प्लस हम वर्ड के स्टोरेज कम पड़ रहा है, बट आई ओपन्ड अ फ्यू ड्रॉवर्स एंड वो आधे ही भरे है, कुछ कुछ तो 10% भरे है. वी आर डिस्कार्डिंग थिंग्स जिसकी जरूरत नहीं है. सबसे पहली चीज जो मैंने फेंकने का डिसीजन लिया है बहुत ही हैवी हार्ट से, बिकॉज द देसी इन मी लव स्टोरिंग ऑल दिस बॉक्सेस. क्योंकि वारंटी पीरियड भले किसी किसी चीज का 6 महीने का हो, मैं 6 साल तक भी रखती हूँ कि जब भी इसको बेचेंगे ज़्यादा पैसे आते मुश्किल से 100-200 रुपए ज्यादा होंगे. बट द अमाउंट ऑफ स्पेस दिस टेक्स इन द होम, इमेजिन एप्पल का बॉक्स फेंका जा रहा है. बोलो, आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस फर्स्ट ड्रॉअर जिसमें मुझे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रखने हैं, व्हिच इज द कैमरा, कैमरा के चार्जर, बैटरीज एक्स्ट्रा और छोटे छोटे ट्राइपॉड्स. तो वो करते हैं. यहाँ पे हम अभी लैडर लगाते हैं बिकॉज इंस्पिरेशन फोटो में ऐसा था. अब
ओके तो ये होने वाला है द फाइनल सेगमेंट ऑफ ये सेटिंग अप व्लॉग। ये व्लॉग मेरा सबसे लंबा व्लॉग होगा बिकॉज आई थिंक मैं एक महीने से ज्यादा शूट कर रही थी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। बट क्रिसमस ट्री सेटअप हो चुका है, थोड़ा सा और डेकोर है ये साइड पे। द रग्स, आई हैव टू शो यू द रग्स, दे लुक ब्यूटिफुल। दीज आर टू रग्स जो साथ में रखे है, बट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इसका जो वीव है ना काफी बड़ा है, एंड अगर मैं दोनों बाजू बाजू में रखती हूँ ना तो पता भी नहीं चलता कि दो अलग रग्स है। तो एक कलर है ये ब्लूइश ग्रे कलर और एक ये राइट ब्लू टर्कोइज कलर। एंड देर आर सेवन मोर रग्स, दो सेम है, दो न्यूड कलर के। देर आर फाइव मोर कलर्स दैट यू हैव नॉट सीन येट, जो आप डायरेक्टली टूर्स में देखोगे, बिकॉज मुझे कुछ तो बचाना है लाइक द डेकोरेशन पार्ट, सो दैट देयर इज समथिंग डिफरेंट जो आप रूम टूर में देखो। बट दिस वॉज अस सेटिंग अप दिस प्लेस, विच आई नो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है ये टू अगेन वॉच इन द फ्यूचर, लाइक अपना पहला घर। दिस इज वेयर आई थिंक आई विल एंड दिस ईयर 2020 का। मेरे को एक पूरा रिवाइंड ये भी बनाना है, बट आई वॉन्ट टू स्टिल लिव 31st of December एंड पुट दैट ऑल्सो इन द रिवाइंड वीडियो। आई होप यू हैव अ वेरी वेरी गुड टाइम इन द न्यू ईयर पार्टी। नॉट पार्टिंग, डोंट वरी, आई हैव स्पेंट मेजोरिटी ऑफ माई लाइफ नॉट पार्टिंग ऑन न्यू ईयर। आई होप यू एंजॉयड सेटिंग अप द प्लेस टुगेदर एंड आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर द रूम टूर्स। 2021 स्टार्ट करते से विल स्टार्ट ऑन अ ब्लास्ट। आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू फॉर बिल्डिंग द फैमिली होम, बिकॉज इट्स द फैमिली होम, वी आर गोना मेक इट द मोस्ट कोजी प्लेस। इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो गिव इट अ थम्स डाउन। बट अगर आपको पसंद आता है अपना चैनल तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम 2021 में भी बहुत फ्रीक्वेंटली मिल सके। एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन गुड बाय and Happy New Year!